आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा, जय श्री परशुराम। मैं उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। बात ये है कि ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार में जो भीमता है, जो चमता है, चमता जो भी है, वो क्या मतलब महक बदबू से हमारा यही कहना है कि वो ये कह रहा था कि ठाकुर जो है राजपूत समय रखे और आमने सामने भिड़े हमसे, तो हम तेरे से आमने सामने भिड़ने के लिए हरियाणा से आ चुके हैं और जब तक तू मिलेगा नहीं तो हम कैसे जाए। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम जो है ना और मात्र बाद में होगी, हम तेरे यहाँ आ चुके हैं और तू मेरे से संपर्क कर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर और तू मुझे ये बता कि हमें कहाँ पर आना है, क्योंकि तू तो आएगा नहीं और तू कर बता कि समय रखो और हम आएंगे, कि समय रखो और हम युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम लड़ने के लिए आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं, तो मैं मार तू सामना कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ देख रहे पृथ्वीराज चौहान जी का चौक है हरिद्वार में, यहाँ पर खड़े हैं खुलेआम और यहीं पर ये दो दिन, तेरा मन करे जब हमें संपर्क कर और तेरा जीत जाए फिर से मिलके जाएगा, समझ गया क्या चमटे। और जो तेरा बाप है ना, वो जो अपने आप में उसको खब्बी खान समझता है, उसने भी ले आना, तुम दोनों तय मिलके जाऊंगा। और जो कोई और हो, जो किसी और न मानता हो, तुर्रम खान कोई और भीमता भीमता कोई उन्हें भी लिया। और सुन मेरी बात को, कहीं ये कह के बता नहीं था, खाली हाथ मत आना, हम भी खाली हाथ नहीं आए, और हम भी अपनी तैयारी तार, तुम अपनी तैयारी था ना, कहीं ये कहते कि हमारे पास खेल लेते हैं और नहीं हथे पाँव कर दिया, ये बात सुनने को नहीं बोला, फटाफट संपर्क कर और आ और फिर देखते हैं किस में दम है, बोलने तो भोसड़ी कुछ नहीं होता, करने तो होता है, तेरे घर क्षेत्र में आए हुए, तेरे घर में समझ गया, तेरा घर यहाँ से 200-500 मीटर ही है, आ जा